YouTube पे भी आपको देखा है इन्होंने, आपके चैनल को देखा है, तो हमारे बच्चे भी आपका चैनल देखते हैं सुंदर भाई। ठीक हो? अच्छा अच्छा, कितनी खुशी है यहाँ पे? बहुत बहुत ज्यादा। आपको जानता है क्योंकि ये बापोड़ा गांव से है, तो दिनोद के पास अच्छा, इनके अच्छा। खेत होंगे, तो ये आपको जानता है। वाह जी वाह। इन्होंने आपको देखा है ऐसे बता रहे हैं। किसी प्रोग्राम में गए होंगे आप, 26 जनवरी या 15 अगस्त के प्रोग्राम में, वहाँ इन्होंने आपको देखा है। पैदा हुई घर में मेरे मातम सजाया था। राम राम भाई, सारे भाइयों ने मैं आपका भाई सुंदर दिनों दिया, और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों आज तो शुक्ल मारे हाँ, और भाई जो आम इंसानों है वो तो जिस तरह भाई अपना जो नाम है वो बता दे कि मेरा नाम सुंदर है, मैं इस गांव से हूँ, लेकिन जो ब्लाइंड बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते वो किस तरह बताऊँगे, और किस तरह तैयार पढ़ाई हो है, आखिर क्या सुविधा मिला है, बड़का तो बात करवावांगे। जो आप मेरे साथ देख रहे हो सुमन मैम हैं, जो इनके टीचर हैं, तो इन तभी आप बात करांगे और किस प्रकार तय ये अपने बारे में बता सके हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार सुंदर भाई जी। मैम जैसे हमने तो कर लिए राम 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 कर लिए, नमस्ते कर लिए, तो ये किस तरह से करते हैं? हमें तो जैसे फिर भी एक बार मैंने ये, अगर आप आए हो ना तो आप उधर से देखते ही आपको पहले हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, या गुड मॉर्निंग करते, तो हम बोल के गुड मॉर्निंग करते हैं। इनका गुड मॉर्निंग का साइन ये होता है, ये ऐसे करके इनका गुड मॉर्निंग का साइन। मैं इनको कहूँगा नमस्ते। और मैम जैसे मैं नाम पूछूं इनसे, क्या नाम है? अरुण, इसने अपना नाम बताया अरुण। मैम ये क्या? ये आपका बताया स्टार सुंदर न्यूज, आप आए हो इसलिए आपका थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। इनसे नाम पूछो। सोनिया। तो मैम ये कैसे, मतलब ये वर्ड होते हैं कैसे? जी ये अल्फाबेट्स में आप अपने नाम बता रहे हैं, आपको ये अपने नाम बताएंगे तो ये अल्फाबेट्स में आपके अपने नाम बताएंगे, ये फिंगर की भाषा होती है इनकी। अच्छा मैम ये पहले आपने कोर्स किया है इनका? जी मैंने कोर्स किया हुआ है ये। अच्छा, जी अच्छा, इनसे पूछूंगा मैं इनका गांव कौन सा है, कहाँ से? जी दोस्तों देखो मैम समझ सका है, लेकिन आप भी नहीं समझ सकते, हम भी कौन समझ सकते भाई किस तरह था इनकी या भाषा हो है। तो इनके मतलब पापा का नाम पूछेंगे, पापा का? नहीं। और कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? नाम? साहिल। और सुबह कितने बजे उठते हो? 6। क्या नाम है? दीपक। तो मैम जैसे आप ये आपको जानता है क्योंकि ये बापोड़ा गांव से है, तो दिनोद के पास अच्छा, इनके अच्छा। खेत होंगे, तो ये आपको जानता है। वाह जी वाह, बापोड़ा से ही जी। अच्छा तो मैम इनसे बात करूंगा कि यहाँ पे आके ये कितने खुश हैं। जी पूछिए आप। बहुत खुश है। अच्छा अच्छा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे?
मैम इनको बताइए, ये बताने लगे यहाँ पे आके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ये बच्चा बरवाड़ा से है। अच्छा। ये कह रहे हैं मुझे यहाँ आके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। कब आए थे यहाँ पे? मैम ऐसे जैसे गिनती हो है तो ऐसे करके नहीं बता दे, 2 साल या 3 साल ऐसे बता सकते हैं। गिनती में भी अलग होता है, जैसे अपना तो 6 आप कह दोगे ये 6 हो गया, इनका 6 ये नहीं होता, इनका 6 ये होता है, और अपने इसका मतलब कुछ और मत समझ लेते हैं, लेकिन इनका 6 ये होता है। मैम जैसे क्लास होती है एक, तो क्लास में एक मॉनिटर भी होता है, होशियार बच्चे भी होते हैं, तो इनमें से कौन सा? इनमें से गर्ल्स में ये है और बॉयज में ये है। अच्छा। जी इन्होंने आपको देखा है ऐसे बता रहे हैं। किसी प्रोग्राम में गए होंगे आप, 26 जनवरी या 15 अगस्त के प्रोग्राम में, वहां इन्होंने आपको देखा है। YouTube पे भी आपको देखा है इन्होंने, आपके चैनल को देखा है, तो हमारे बच्चे भी आपका चैनल देखते हैं सुंदर भाई। तो इनसे कहूँगा मैं, आप बता रहे हैं कि होशियार लड़की है, एक डांस किया है तो बहुत अच्छा डांस किया है, इसको तो ये आपने बोला ना कि बहुत अच्छा किया, तो ये आपको थैंक यू बोल रही है, इनका थैंक यू ये होता है। धन्यवाद। तो कैसे हो बेटा? ठीक हो? अच्छा अच्छा, कितनी खुशी है यहाँ पे? बहुत बहुत ज्यादा। मैम का क्या नाम है? सर का मान से कम नहीं है सर और मैम, लेकिन इतनी बड़ी उपाधि नहीं चाहिए इंसान है। यहाँ पे इस गुड़िया ने एक गाना भी सुना है, तो 2 लाइन मैम उस गाने की फिर से। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, पैदा हुई घर में मेरे मातम सजाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, लेले के नाम प्यार का जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं अब किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत जी। बी ए प्लस वन में पढ़ रही है, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे चुकी है, उसका रिजल्ट आ गया है 72% से। बहुत बढ़िया। तो क्या नाम है भाई आपका? जी मेरा नाम शुभम है। शुभम जी, तो शुभम भाई बहुत ही अच्छा आपने जो क्या बोलते मैम इसको जो ये बजा रहा था मैम, कीबोर्ड जी, कीबोर्ड हाँ जी कीबोर्ड, बहुत ही अच्छा जो कीबोर्ड आपने बजाया उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आप यहाँ कब से हो? जी मैं यहाँ पे 2-3 महीने से हूँ, क्योंकि मैं शुरू में पहले विजय सर से पढ़ता था, मुझे सर घर पे पढ़ाने आते थे। अच्छा। जब मैं छोटा था तो सर की ड्यूटी ट्रांसफ़र होने के बाद सर थोड़ा लेट हो जाते थे, इसके कारण बाद में मैं गंगानगर चला गया था राजस्थान में, वहाँ पे गंगानगर में स्कूल है श्री जगदम्बा अंध विद्यालय हनुमानगढ़ रोड पर। अच्छा। तो वहाँ से मैंने स्टडी किया, अब मैं 10th कर रहा हूँ यहाँ पे, और सुमन मैम मुझे तैयारी करवा रहे हैं, मुझे यहाँ पे 2-3 महीने हो गए, बहुत ही अच्छा स्कूल है। अच्छा। कि यहाँ पे छुट्टी मारने को भी मन नहीं करता कि हम छुट्टी मारे, कि भाई अब घर पे संडे का भी दिन ऐसा होता है कि संडे का दिन काटे तो कैसे काटे, कि यहाँ पे टाइम पास अच्छा होता है, सब भी मिलजुल के रहते हैं। जी तो किसी प्रकार की कोई समस्या? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, चलो धन्यवाद भाई, थैंक यू जी जी। ये सुनाई दे रहा जी, कैसे हो सुमित भाई?
भूमित। भूमित कैसे हो? अच्छा हूँ मैं। अच्छे हो? अच्छा, पढ़ाई कैसी हो रही है यहाँ पे? अच्छी। अच्छी हो रही है? यस। अच्छा, तो मैम है, सर हैं, डांट तो नहीं रहे आपको? नहीं। धमका रहे हो? नहीं। गुस्सा कर रहे हो? नहीं। प्यार से? यस। अच्छा जी, तो मैम इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुंदर भाई, और आपने भी हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों यह वीडियो आपने किसी के लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो, तो और भी आप तो वीडियो दिखा दे रहे बना दे रहे, तो देख दे रही अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।